हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शयोर केयर ने वेदांता फाउंडेशन का डेयरी विकास एवं पशु प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु साझा प्रयास, डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना स्टाफ की मासिक बैठक संपन्न, बाड़मेर। सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी बाड़मेर द्वारा केयर ने वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के स्टाफ की मासिक बैठक शयोर उपकेंद्र धरनावास में शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में परियोजना की माह दिसंबर 2021 के प्रस्तावित एवं संपादित गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण करवाकर माह जनवरी 2022 की प्रस्तावित कार्य योजना तैयार कर उनका प्रस्तुतिकरण करवाया गया। बैठक में परियोजना के तहत डेयरी विकास कार्यक्रम एवं मोबाइल निःशुल्क मोबाइल वेटनरी वैन के संचालन, प्रबंधन एवं फील्ड स्तर पर आ रही मुख्य समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर कार्यक्रम प्रबंधन हनुमान राम चौधरी द्वारा उनका मौके पर ही यथासंभव समाधान करवाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रबंधन हनुमान चौधरी ने कहा कि परियोजना स्टाफ की परियोजना कार्य में सक्रिय भागीदारी, लगन, मेहनत, मजबूत इरादा एवं अनुशासन और सहकार की भावना से ही कार्यक्रम की सफलता संभव है। चौधरी ने उपस्थित परियोजना स्टाफ को सरकार द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना स्टाफ टीम भावना, आपसी बेहतर समन्वय एवं ईमानदारी के साथ समिति सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य एवं पशुपालकों को परियोजना से ज्यादा जोड़कर उन्हें लाभान्वित कर उनके चेहरे पर खुशहाली लाकर परियोजना से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने का आह्वान किया। चौधरी ने वर्तमान में चल रही शीतलहर एवं सर्दी में पशुओं के उचित रख रखाव प्रबंधन एवं पशुपालक की उचित व्यवस्था को इस हेतु समिति सदस्यों को एवं सचिवों को प्रेरित कर पशु बीमार न हो इस हेतु विशेष प्रयास कर एवं समिति सदस्यों दुग्ध उत्पादों एवं ग्रामीणों को परियोजना हरा चारा का विकास के उन्नत बीज एवं नेपियर डंठल उपलब्ध करवाकर ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को लाभान्वित कर हरा चारा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु आह्वान किया। चौधरी ने कोविड-19 नियमों की पालना करने के साथ समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों को अनिवार्य रूप से दोनों डोज टीकाकरण करवाने के साथ चिरंजीवी बीमा योजना से लाभान्वित कराने हेतु टीम को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में पशु चिकित्सक डॉक्टर मेनसा राम चौधरी ने MVP एवं सहायक परियोजना समन्वयक मालाराम गोदरा ने माह दिसंबर 2021 की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में सहायक परियोजना समन्वयक मालाराम गोदरा ने डेयरी विकास परियोजना के तहत किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में परियोजना एवं MVP के वार्षिक लक्ष्यों, उनकी प्राप्ति एवं प्राप्त परिणामों के बारे में विस्तार से समीक्षा कर आगामी वर्ष 2022 से 2023 के लक्ष्यों पर चर्चा कर कार्य योजना तैयार की गई। इस दौरान सुपरवाइजर सोनाराम चौधरी, पशुधन सहायक बाबूराम मोबाइल, वैन ड्राइवर बाबूलाल बिश्नोही एवं जियाराम जाट आदि उपस्थित रहे। बैठक में परियोजना स्टाफ की आगामी बैठक 31 जनवरी 2022 को रखना तय किया गया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।